हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल बीएससीबी हेल्प पे। आज आपके पोइट्री के आखिरी लेसन का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा जल्द ही। बने रहिए इस वीडियो पे और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के बच्चों हम आते हैं इस कविता के पहले प्रश्न उत्तर पे। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। मार्था उस हरी भरी सी घाटी में जहाँ कुछ भूरे रंग भी हैं, वैसी घाटी में मार्था क्या कर रही है? तो इसका उत्तर है बच्चों, Martha tells her stories over and over again in the hazel glen. Martha अपनी कहानियाँ सुना रही हैं बच्चों को और ये बार बार दोहरा रही हैं, बार बार कहानी सुना रही है उस हरी भरी घाटी में। अगला प्रश्न है बच्चों, What is the color of Martha's eyes? Martha की आँखों का रंग कैसा है? किस रंग की उसकी आँखें हैं, कैसी हैं उसकी आँखें? मार्था की आंखों का रंग कैसा है? तो इसका उत्तर है, द कलर ऑफ मार्थाज आइस इज क्लियर ग्रे। मार्था की आंखों का रंग बिल्कुल साफ ग्रे रंग का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु आर स्टेयरिंग एट ईज। उसे कौन आराम से बैठकर देख रहे हैं? मतलब मार्था के चेहरे को, उसके कहानी कहने के तरीके को कौन आराम से बैठकर देख रहे हैं? तो इसका उत्तर है, The children are staring at ease. बच्चे उसे आराम से बैठकर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, How do they sit to listen to Martha's story? Martha की कहानी को सुनने के लिए वो कैसे बैठे हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, They sit on their elbows to listen Martha's story. ये अपनी केहुनी के सहारे बैठे हैं मार्था की कहानी को सुनने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे अपनी केहुनी को ज़मीन पर टिका करके और अपनी हथेली पर अपना सर रख करके वो मार्था की कहानी को सुन रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाउ डिड मार्था सिट। मार्था कैसे बैठी है? तो उत्तर है, मार्था यूज्ड टू सिट विथ हर बोथ हैंड्स ग्रैस्प्ड राउंड हर नीज। मार्था अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर दोनों तरफ से बांध कर वो बैठती है, हाथों से घुटनों को बांध कर वो बैठी है। अगला प्रश्न है, हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरीज से। आधी कहानियाँ जो हैं वो कैसे अनकहे रूप से कही जाती हैं, मतलब कैसे समझ में आ जाती है कि आधी कहानियाँ क्या होंगी? तो उत्तर है, हाफ ऑफ द स्टोरीज आर सेड बाय हर ग्रेव एक्स प्रेशन। मार्था के द्वारा कही गई आधी कहानियाँ जो है वो उसके चेहरे के हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके कहने के तरीके से ही समझ में आ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, किस प्रकार कहना चाहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वेयर डिड चिल्ड्रंस हर्ट स्टैंड। बच्चों के हृदय कहाँ रुक जाते हैं? तो उत्तर है, चिल्ड्रंस हर्ट स्टूड इन स्टिल इन द हश। बच्चों के हृदय जो है वो रुक जाते हैं एक शांति के जगह पर, एक बेचैनी की जगह पर। मतलब शांति भी है, कहानी के ख़त्म होने का एक उम्मीद भी है और बेचैनी भी है कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो एक युग के अंत में है, एक बहुत लंबे समय के बाद वो सपने की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके बुक से है, डिस्क्राइब मार्थाज फिज़िकल फीचर। मार्था के भौतिक रंग रूप को बताएं, उसके बारे में चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, मार्था इज़ अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मार्था एक सुंदर युवा युवती है। हर आइज़ आर क्लियर ग्रे। उसकी आँखें बिल्कुल साफ ग्रे रंग की हैं। एंड शी हैज़ ए प्रिटी फेस विथ नैरो चिन। और उसका चेहरा जो है बहुत ही प्यारा है और उसकी ठुड्डी बहुत ही पतली है।
ड्यूरिंग टेलिंग हर स्टोरीज, अपने कहानी कहने के दौरान शी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स क्लास्ड अराउंड हर बैंडेड नीज। और जब वो कहानी कहने के दौरान बैठती है तो अपने दोनों हाथों से वो अपने घुटनों को मोड़कर उसे चारों ओर लपेट लेती है और तब वो अपनी कहानी कहती है। हर एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स ए मिस्टीरियस सीन, उसके हाव भाव एक रहस्यमयी दुनिया, एक रहस्यमयी वातावरण अपने चारों ओर बना लेते हैं। इन द वैली, और उस घाटी में एक रहस्यमयी वातावरण बन जाता है। She is described here as very fond of children and they too are equally fond of her company. और इस कविता में जैसा कि बताया गया है, मार्था को बच्चों की संगत बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी मार्था की संगत बहुत अच्छी लगती है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, Is this poem like a dream? क्या यह कविता एक सपने के जैसा है? How can you say that? और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, है या नहीं है, और ऐसा अगर है तो कैसे? तो इसका उत्तर है बच्चों, Yes, I find this poem like a dream. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कविता एक सपने जैसा है। When she begins to tell her stories, जब वो अपनी कहानी कहने की शुरुआत करती है, she presents a different scene as before, और वह एक आश्चर्यचकित करने वाला एक विभिन्न अलग तरह का चित्र जो है बच्चों के मन पर छाप देती है, जैसा कि वो पहले कहीं देखे हों। Children get themselves in the world of dreams, और बच्चे इस प्रकार से सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। Where they found fairies and gnomes, जहां उसे परियां और बौने, जादुई बौने ये दिखते हैं। Her stories telling style creates a mystic scene as if all things were happening in dream. और उसके कहानी के कहने का तरीका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ सपने में हो रहा हो। मतलब वो अपनी कहानी से, अपने शब्दों से, अपने विचार से हर एक श्रोता को सपनों की दुनिया में ले जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहानी को सुन नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हैं, उस कहानी को होते हुए अपने सामने देख रहे हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाउ डज द पोएम मार्था एंड, ये जो कविता है मार्था, ये कैसे समाप्त होती है, मतलब इसका अंत कैसे होता है? तो द स्टोरी ऑफ मार्था लेफ्ट द इफेक्ट ऑफ मिस्ट्री ऑन द माइंड्स ऑफ यंग लिसनर। मार्था की कहानी श्रोताओं के मन पर एक गहरा असर छोड़ जाती है, उन्हें रहस्य की दुनिया में छोड़ जाती है। दे हैड नो कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट दैट ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द ड्रीमी पास्ट टू विच द स्टोरी ऑफ मार्था रिलेटेड। उन्हें कोई ध्यान, कोई होश नहीं रहता, सिर्फ उसे उस वातावरण का होश रहता है जहाँ पर, जिस सपनों की दुनिया में मार्था उन्हें ले गई हैं और अपनी कहानी से जोड़ते हुए वो बता रही हैं, उस दुनिया में बच्चे चले जाते हैं। Their hearts stood still in a calm place, उनके हृदय एकदम शांत वातावरण में चले गए हैं। And in the same way, और बिल्कुल उसी प्रकार उनके हृदय शांत हो गए हैं जैसे क्लाउड्स वुड स्टैंड इन द हाइट ऑफ द स्काई, जैसे आसमान की ऊंचाइयों में बादल शांत दिखते हैं, वैसे ही सुनने वालों के हृदय शांत हो गए हैं। ऑल द चिल्ड्रन फेल्ट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, हर बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल मतलब आरामदायक स्थिति में समझते हैं और वो रिलैक्स हैं कहानी सुनते हुए, मतलब कोई चिंता उन्हें नहीं है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रन एंजॉयड द स्टोरी, क्या आपको लगता है कि मार्था और बच्चे कहानी को एंजॉय कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, यस आई थिंक मार्था एंड द चिल्ड्रन बोथ वेयर एंजॉयिंग द स्टोरीज, मुझे ये लगता है कि मार्था और बच्चे दोनों कहानी को एंजॉय करते हैं। मार्था वॉज सच अ स्टोरी टेलर हु नोज़ हाउ टू क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ ड्रीम एंड मिस्ट्री।
मार्था एक इस प्रकार की कहानीकार है, कहानी के वार्ता करने वाली है, कहानी सुनाने वाली है, जो ये जानती है कि किस प्रकार एक ऐसा वातावरण बना लिया जाए जो सपनों का वातावरण हो, जो रहस्यों का वातावरण हो। उसे यह पता है कि कहानी को किस प्रकार कहना है कि वो बच्चे न सिर्फ सुने बल्कि उसे जिए। सी यूज्ड हर अपीयरेंस, हर टोन, हर गेस्चर, हर ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ हर स्टोरी। वह अपने रूप, अपने आवाज़ की बोली, अपने शरीर के हाव भाव, ये सारे का प्रयोग करते हुए, सभी का प्रयोग करते हुए कहानी के हर प्रभाव को जागृत करने की कोशिश करती है। द चिल्ड्रन वेयर एन्जॉइंग द स्टोरीज परफेक्टली, और बच्चे कहानी को अच्छी तरह से इन्जॉय कर रहे हैं। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मार्था बिगन विथ हैप्पी एंड ट्रैंक्विल नोट। मार्था एक सुखी और शांत व्यवहार से, शांत आवाज़ से कहानी की शुरुआत करती है, एंड एंड्स विथ सैडनेस, लेकिन उस कहानी का अंत उदासी पूर्वक होता है। क्योंकि सब कुछ आप देखते हैं, कविता के अंत में मार्था यह बताती है कि सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, उसकी सुंदरता समाप्त होती जा रही है, दिन समाप्त होता जा रहा है, तो ये एक उदासी का टोन होता है। वाई डज सी डू सो, वो ऐसा क्यों करती है, एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या करें। तो उत्तर है, द पोएम बिगिन्स विथ हैप्पी एंड ट्रैंक्विल नोट। ये सही है कि कविता जो है एक सुखी और शांत स्वर के साथ शुरू होती है। मार्था स्टार्ट्स हर स्टोरी विथ ए ग्रेट ब्यूटी। मार्था जो अब अपनी कहानी शुरू करती है तो उस समय उसके पास अपार सुंदरता है। हर फेशियल एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स अ फैंटेसी, उसके चेहरे का हाव भाव एक सुंदरता भरा वातावरण, एक उन्माद जैसा वातावरण जो है बच्चों के मन में डाल देता है। द चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड हर एंड हर स्टोरी, बच्चे उसकी तरफ और उसकी कहानी की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। बट एज द स्टोरी डेवलप्स, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर ब्यूटी फेड्स अवे, उसकी सुंदरता समाप्त होती जाती है। हर ब्यूटी लूजेज इट्स एक्सिस्टेंस एंड द सन सेट्स, उसकी सुंदरता धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है और सूर्य अस्त भी हो जाता है। ऑल फॉरगेट एवरीथिंग एंड वे आर ड्रॉन इन ड्रीमी वर्ल्ड, हर बच्चे हर एक चीज़ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज आवर हर्ट स्टूड स्टिल इन द हश ऑफ एन एज गॉन बाय। कविता के इस आखिर के दो पंक्तियों को आप बताएं कि इस समय कहते समय लेखक किस मूड में थे, किस भाव में थे जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा हृदय जो है एकदम शांत हो गया और ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। तो आते हैं इसके उत्तर की ओर। द एवर लाइन्स स्टेट दैट द पोएट इज नाउ इन सैड मूड, ये लाइन बताती है कि लेखक अब एक उदासी भरे मूड में है। द मार्था बिगिन्स हर स्टोरी द पोएट फील्स हैप्पी, जब मार्था अपनी कहानी शुरू करती है तो लेखक सुखी महसूस करते हैं, उसे अच्छा लगता है। बट एज इट गोज ऑन, लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, हर अपीयरेंस क्रिएट्स अ मिस्टीरियस सीन, जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाती है तो उसका जो लुक होता है, उसका जो दिखने का रूप होता है, वह एक रहस्यमय दृश्य ले लेता है, एक रहस्य की दुनिया में पहुंच जाता है। बिहोल्डिंग दिस सीन द मूड ऑफ द पोएट सडनली चेंजेस, और इसी सीन को ध्यान में रखकर लेखक का जो है मूड वो बदलता चला जाता है, उसका जो मन का भाव है वो बदलता चला जाता है। एंड सैडनेस, और आ जाती है उदासी। ही फील्स दैट वन एज हैज़ पास्ड अवे, और उसे ऐसा लगता है जैसे एक सदी बीत गई हो। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब पोएट्स फीलिंग व्हेन ही स्टार्टेड द पोएम।
लेखक की फीलिंग को बताएं जब उसने कविता की शुरुआत की। तो यहाँ उत्तर है, द पोएट स्टार्टेड द पोएम विथ प्लीजेंट फीलिंग। लेखक ने कविता की शुरुआत एक सुखी मन से की, एक सुखी भरे भाव से की। ही चोज ए लेडी कैरेक्टर हु वॉज मास्टर ऑफ ए स्टोरी टेलर। एज ए स्टोरी टेलर उसने एक ऐसे महिला किरदार को चुना जो कहानी कहने की गुण को अपने अंदर धारण करती है, मतलब कहानी कहने के गुण के विजेता है। द लेडी वॉज मार्था, और ये महिला कौन थी, ये मार्था थी। वैन शी टेल्स द स्टोरी, जब वो कहानी कहती है, द पोएट गोज बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो लेखक अपने बचपन के दिनों में चले जाते हैं। एंड शोज हाउ हैप्पी ही वॉज देन, और यह बताते हैं कि वह उस समय कितने सुखी थे। ही लॉन्ग्स टू गो बैक टू द पास्ट, वो अपने भविष्य में, अपने बीते हुए समय में जाने की इच्छा रखते हैं। दिस शोज हिज लव फॉर वंडर एंड फैंटेसी, और यह बताता है कि वो आश्चर्य वाली चीज़ों को और आनंद वाली चीज़ों को कितना पसंद करते हैं। और ये आपके कहानी का आखिरी प्रश्न होगा जो मैंने अपने मन से डाला है। प्रश्न है, हाउ डिड मार्था टेल हर स्टोरी, मार्था अपनी कहानी कैसे कहती है। तो इसका उत्तर है, मार्था नरेटेड ए स्टोरी इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। मार्था बच्चों के सामने एक कहानी कहती है इन ए मैजिकल वे, और ये होता है एक जादुई तरीके से। शी वुड सिट विथ हर स्लिम एंड ब्यूटिफुल हैंड्स क्लैस्ड राउंड हर बैंडेड नीज, वो जब बैठती है तो वो अपने पतले और सुंदर हाथों को अपने मुड़े हुए घुटनों के चारों ओर लपेट कर बैठती है। हर नैरो चिन एंड स्मॉल लवली हेड सीम्ड टू टेल हाफ ऑफ द स्टोरी, और उसका छोटा सा प्यारा सा सर और उसके जो हैं जो ठुड्डी है, प्यारी सी पतली सी ठुड्डी, उसका चेहरा ही जो है आधी कहानी बयां कर देता है। हर स्टाइल वाज वेरी अट्रैक्टिव, और उसकी कहानी कहने का तरीका बहुत ही आकर्षक है। सी कास्ट ए स्पेल ऑन द चिल्ड्रंस माइंड, और वो बच्चों के ऊपर एक जादुई मंत्र सा छिड़क देती है। यहाँ स्पेल का अर्थ स्पेलिंग से मत लीजिएगा, स्पेल का अर्थ यहाँ पर है जादुई, एक जादुई मंत्र, ठीक है। सो दैट दे लॉस्ट साइट ऑफ द रियल वर्ल्ड, और इस तरह से बच्चों के सामने जो असली दुनिया है वो दृश्य समाप्त हो जाता है और वो चले जाते हैं सपनों की दुनिया में। एंड हर फेस एंड गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड बींग डिस्क्राइब्ड बाय मार्था, तो उसके सामने से वो दुनिया भी ख़त्म हो जाती है और मार्था का चेहरा भी समाप्त हो जाता है और बच्चे खो जाते हैं एक सपनों की दुनिया में, वैसे सपने की दुनिया जो मार्था अपनी कहानी में बता रही है, उस कहानी में बच्चे खो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आज किया है। आज मैंने इस कहानी से जुड़े हुए जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया है। कल के भाग में कुछ और हिस्से रह गए हैं जो कहानी के बुक के भाग हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कुछ कंपोजिशंस हैं, कुछ ट्रांसलेशंस होंगे मेरे ख्याल से, तो वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और कल ये पोइट्री का सेक्शन समाप्त हो जाएगा, पोइट्री ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि कुछ अल्टरनेट करूँ, जैसे कि एक दिन मैं ग्रामर के नोट्स तैयार कर आपको पहुँचाऊँ और एक दिन जो है प्रोज सेक्शन का काम करूँ। जैसा आप ठीक समझें मैं कोशिश करूँगा ये काम करने का, लेकिन अगर आप कहेंगे कि पहले प्रोज ख़त्म कर दें तो मैं वही करूँगा, और अगर आप कहेंगे पहले ग्रामर ही कर दें तो वो मैं कर दूँगा। जैसा आप चाहें मैं वो करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और अगर मेरी मेहनत और मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन लगा कर करें।